बोले तो फुल टूर धमाल है सारे की बेस्ट मूवी है ये। अच्छा। अभी तक की उसकी बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट मूवी, बेस्ट एडिटिंग। अच्छा, लोगों ने देखनी चाहिए पिक्चर। बिल्कुल 100%। फैमिली के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि SRK ने अब तक जितने भी मूवी निकाली है उसमें वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, क्योंकि ये मूवी में अपने को बताया गया है कि जो रिस्पेक्ट अपनी अपनी कंट्री में वो बाहर की कंट्री में अपने को बिल्कुल नहीं मिल पाती। जो मतलब रिस्पेक्ट है अपनी यहाँ पे अपने इंडिया में, वो रिस्पेक्ट अपने को बाहर के वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं मिलती, क्योंकि ये मूवी से उन्होंने बताया कि वहाँ जाने के बाद में अपने साथ में क्या होता है। आज अपन जो इतने सेफ है अपने कंट्री में, जो रिस्पेक्ट मिलती है और उसके बाद में जो सुविधाएं मिलती है अपने को इस कंट्री में, वो वर्ल्ड के कोई भी कंट्री में नहीं मिलती। और मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है। और उस बाद सबसे मेन अपन ने अभी तक के जितने भी मूवी देखी है SRK की, तो एक्शन होती है या तो फिर वो रोमांटिक होती है, बट ये मूवी उससे थोड़ी हटके है, ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें अपने को इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें ये मूवी देखने के बाद में मतलब जिनको मतलब जो सोचते हैं कि हम लोग बाहर की कंट्री में जाके जॉब करेंगे या बाहर जाके ये करेंगे, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइफ अपनी ये होगी, लेकिन उनको पता चलेगा कि वहाँ जाने के बाद में एक्चुअल में क्या होता है अपने साथ में। जो मज़ा अपने कंट्री में रहने का है ना, वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है, और यही बताया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा तो आई लव माय इंडिया। कैसी लगी भैया? अब तक की सबसे हार्ड मूवी है शाहरुख खान की, राजकुमार हिरानी की। क्या भैया, अच्छी अच्छी मूवी, कॉमेडी, इमोशन है, बहुत अच्छी। शाहरुख खान सर की एक्टिंग अच्छी है। अच्छा, बाकी सभी परफॉर्मेंस अच्छे हैं। स्टोरी भी अच्छी है। राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन भी अच्छा है। गाने अच्छे लगे? गाने भी अच्छे हैं। आखिरी का गाना जो घर से निकले वो भी बहुत अच्छा है, वो दिल को छू लेने वाला है। अच्छा, कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 5 स्टार। ओके, अच्छी थी। अच्छा, हाँ, सुपर हिट है क्या? सुपर हिट। लोगों ने देखनी चाहिए पीछे? हाँ, देखो देखो, अच्छे। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से कितने? 5 स्टार। कैसी थी भैया पिक्चर? जबरदस्त पिक्चर थी। वन टाइम वॉच है, मस्त पिक्चर है। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हो तो आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत इमोशनल पिक्चर है। शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी और राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन बहुत बेहतरीन था। एज अ फैन आपको कैसी लगी? एज अ फैन बहुत बेहतरीन पिक्चर, बहुत बेहतरीन मूवी। कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर तो बहुत अच्छी है और परिवार के साथ में देखने के लिए लायक है, और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या भाई, वी लव शाहरुख, वी लव शाहरुख। लगी अच्छी है। अच्छा, स्टोरी कैसी थी पिक्चर? स्टोरी बढ़िया है, अच्छी स्टोरी। एक्टिंग कैसी लगी हमें? शाहरुख खान सर की एक्टिंग अच्छी है। पिक्चर और सबकी ओवरऑल एक्टिंग वगैरह, मतलब पूरी पिक्चर बढ़िया है और मज़ा आया। अच्छा, कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5।